19 बचाव को लेकर सेरानी वेलफेयर फाउंडेशन सिक्टा देवराज ने अनुमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में कराया सैनिटाइजर का छिड़काव। न्यूज 9 टाइम्स पश्चिमी चंपारण बगहा से नवल ठाकुर की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिला के बगहा अनुमंडल के रामनगर व लौरिया प्रखंड में सेरानी वेलफेयर फाउंडेशन सिक्टा देवराज के बैनर तले कोविड-19 को जड़ से नेस्तनाबूत करने के लिए संस्था के सदस्यों समेत नवयुवकों ने कमर कस ली है। प्रखंड के विभिन्न गांवों समेत रामनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में सैनिटाइजर छिड़काव कराने के साथ ही मास्क एवं सैनिटाइजर वितरण करने में जुट गए हैं। कोरोना की बढ़ती महामारी से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने लगे हैं। लाउड स्पीकर से वृहद रूप से प्रचार कराते हुए लोगों को कोविड-19 महामारी की जंग में हिम्मत व धैर्य से लड़ने की सलाह देते हुए सामाजिक दूरी बनाने, बेवजह घर से नहीं निकलने एवं मास्क पहनकर ही निकलने की अपील करने लगे हैं। सेरानी वेलफेयर फाउंडेशन सिक्टा देवराज के डायरेक्टर राशिद इकबाल उजाविर तनवीर ने संयुक्त रूप से बताया कि प्रखंड के सिक्टा देवराज, चुनाहट, सहुआ टांड, नया बस्ती, बसवरिया, कंधवलिया, लाकड़, सिसई, ननहकार, नुनिया टोला समेत रामनगर प्रखंड के योगिया पंचायत के विभिन्न गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया। संस्था के एरिया कोऑर्डिनेटर गौरी खान, मोदी सफियान, मोहम्मद नरुजमा, आफ्ताब आलम ने बताया कि छिड़काव के साथ ही कोरोना महामारी से निपटने के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। न्यूज 9 टाइम्स। जी, मेरा नाम राशिद इकबाल हुआ। हम लोग सिक्टा देवराज से हैं। हमारा एक वेलफेयर फाउंडेशन वहाँ चला है जिसका नाम सेरानी वेलफेयर फाउंडेशन है। ये एक NGO है जिसके तहत हम लोग देवराज में बहुत सारे गाँव को हमने कवर किया है, सैनिटेशन का और अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गाँव में बहुत जागरूकता की कमी है और ये बीमारी जो है गांव-गांव तक फैल चुका है। हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग ऐसे ऐसे हालात हो रहे हैं कि लोग बीमार पड़ रहे हैं और उनकी मौत हो जा रही है। लोग इस चीज़ से जागरूक हैं नहीं। हमें ज़रूरत है इस चीज़ को जागरूक करने की। जितने लोग जानेंगे, डरेंगे, ये सब सैनिटाइजेशन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि एक माहौल बने, लोगों के बीच में ये माहौल जाए कि ये बहुत बड़ा एक काम हो रहा है। लोग समझे कि वाकई में ये एक बीमारी है, इसे डरना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग करा रहे हैं। इसमें हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड मिला रहे हैं 1% अकॉर्डिंग टू द वाटर क्वांटिटी। तो इस हिसाब से हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे आज हम लोग जोगिया में आए हैं, जोगिया में ये काम किया जा रहा है। हमारे मेंबर ग्रुप मेंबर जैसे डायरेक्टर उजैर तनवीर हैं, ये भी हमारे सेरानी वेलफेयर के डायरेक्टर हैं। आफ्ताब भाई ये सबिया से बिलोंग करते हैं और यहाँ के जो एरिया प्रभारी हैं, एरिया कोऑर्डिनेटर जो हैं जोगिया के, ये सुफियान भाई हैं और नुरुज़्ज़मा भाई हैं। ये लोग हमें बहुत हर तरीके से सहयोग कर रहे हैं। गली गली और हर जगह लोग को बता रहे हैं कि कैसे करना चाहिए, क्या कहाँ पे लोगों को अवेयरनेस कैसे दें लोगों को। जो आपकी संस्था है जी, पश्चिमी चंपारण में वर्क कर रही है? हम लोग अभी देवराज लेवल प्रखंड वाइज कर रही है क्या? नहीं, हम लोग देवराज लेवल पूरा देवराज को कवर कर रहे हैं। प्लस हमारा जो लाकड़ सिसई पंचायत है, पंचायत वाइज भी कर रहे हैं और देवराज के आसपास जितने भी एरिया हैं वो सबको कवर कर रहे हैं। लौरिया प्रखंड अंतर्गत सही पंचायत में कर रहे हैं। जी जी जी। क्या इसका विस्तार भी होगा पूरे चंपारण? जी जी बिल्कुल। जैसे जैसे हमसे लोग जुड़ेंगे, हम चाह रहे हैं कि हमारा चेन बने, लोग हमसे जुड़े, हमारे काम को देखते हुए लोग एक दूसरे से जुड़ें। तो जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे, हमारे वहाँ पे एरिया कोऑर्डिनेटर बनेंगे तो वो हम लोग को बुला रहे हैं कॉल करके। हमारे पास बहुत सारी कॉल भी आ रही हैं, जैसे सब यहाँ तिलपुर, ये लोग हमें कॉल करके बुला रहे हैं कि आप लोग आइए हमारे यहाँ भी सैनिटेशन का काम कीजिए, अवेयरनेस कीजिए, मास्क डिस्ट्रीब्यूट। जागरूकता के साथ आप क्या क्या दे रहे हैं लोगों? जागरूकता के साथ जैसे हम लोग सैनिटेशन कर रहे हैं, प्लस अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर हम लोग सैनिटाइज़र और साबुन जो होता है डिटॉल, वो हम लोग दे रहे हैं। इसे होने जाने का देखिए कुछ है नहीं। लोगों को हमको ये जागरूक देना है। ये जागरूकता सबसे बड़ी बात है कि लोग इस चीज़ को समझें। भय को खत्म करें, भय हो लोग के अंदर, जब तक भय नहीं डालेंगे लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि हर जगह से कहीं नेगेटिव रिस्पांस भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राशिद इकबाल हुआ। संस्था क्या हुआ आपका? सेरानी वेलफेयर फाउंडेशन, ये सिक्टा देवराज में मौजूद है इसका ऑफिस, तो वहाँ से हम लोग। धन्यवाद।